सो गाइस फाइनली आज हमारे पास है यामा R15 V4 2024 मॉडल, जो हाल ही में फिलहाल अभी कंपनी ने कुछ चेंजेस के साथ इसको लॉन्च किया है। मेजर चेंजेस तो नहीं किए हैं, बट थोड़े बहुत इसमें कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। वही कॉस्मेटिक चेंज के लिए आज हमारे पास है R15 V4 2024 मॉडल। तो आज इन दोनों को हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कंपनी ने इन दोनों में क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेते हैं इन दोनों की पावर फिगर की। 155 सीसी का इंजन मिलता है दोनों में, सेम पावर मिलती है, 18.4 bhp की पावर मिलती है, टॉर्क वो सब कुछ सेम है। डिफरेंस जो हुआ है, डिफरेंस सिर्फ कंपनी ने जो किया है वो किया है कॉस्मेटिक चेंज किए हैं। लाइक जैसे कि ग्राफिक्स, पहले आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का ये मिलता था, यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल प्लेन कर दिया है। साइड की जितनी भी ग्राफिक्स है, जितना भी नियॉन कलर था इसमें काम हुआ है, वो सब हटा के कंपनी ने इसको प्लेन दे दिया। सिर्फ यहाँ पे R15 की आपको बैचिंग मिल जाएगी। टायर पे जो थीम दे रखी थी ये वाली R15 वाली, ये कंपनी ने चेंज कर दिया, यहाँ बिल्कुल ब्लैक दे दिए हैं। और सबसे बड़ा जो चेंजेस आया है वो आया शॉकर्स में। शॉकर्स पहले गोल्डन मिलते थे, अब की बार मिल रहे हैं तो ब्लैक कलर। एंड अब बात कर लेते हैं इसके मीटर्स की। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार कंपनी अब की बार एटलीस्ट 2024 में तो इसका मीटर चेंज कर देगी, बट कंपनी ने पहले वाले मीटर दे दिया है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2024 में कम से कम एक डिजिटल मीटर आ जाएगा जो R15 M में आ रहा है, बट कंपनी ने यहाँ भी कंजूसी कर ली और ये वाले मीटर दे दिया। बाकी इसमें जो चेंजेस आया सबसे ज़्यादा वो आया इसमें E20 ऑयल का। इसमें अब E20 ऑयल मिलता है, पहले इसमें नहीं मिलता था। बाकी यहाँ पे बिल्कुल प्लेन कर दिया, यहाँ पे पहले ब्लैक शेड आता था जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2023 वाली में। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स थे जो कंपनी से आते थे, बट बिल्कुल प्लेन कर दिया। यहाँ पे सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर थीम चेंज हुई है। बाकी बस मेजर चेंजेस मैंने आपको बता दिया। मेजर जो इसमें चेंज हुआ है वो थी इसमें कलर थीम हुई है, ग्राफिक्स हुए है, और सब कुछ सेम है भाई, डिटो सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो भाई आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको 2023 वाला वेरियंट ज़्यादा अच्छा लगा था या आपको 2024 वाला जो नया वाला वेरियंट है वो अच्छा लगा है। बट कलर की बात करें भाई, कलर तो उसका बहुत यूनिक सा लग रहा है, तो इसलिए मेरे को ये वाली बाइक पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बट जितने भी इसमें ग्राफिक्स आते थे अच्छे अच्छे वो कंपनी ने सबको हटा दिया है, तो थोड़ा ये प्लेन बिल्कुल डिसेंट सी लग रही है, बट लुकिंग वाइज बेटर है। तो एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं 2024 का। आई होप आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना।